चारि दफा दाबी नै सामूहिक छुट्टी रे नयागढ़ जिलार शिक्षक शिक्षयित्री सपड़े स्कूल रे झुलुची ताला। निखिल उत्कल प्राथमिक शिक्षक फेडरेशन संघ डाकरा रे गतकाल थारु समग्र राज्य रे प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक तथा उच्च विद्यालय रे कार्यरत प्राथमिक शिक्षक एवं शिक्षयित्री माने सामूहिक छुट्टी नै प्रत्येक ब्लॉक रो ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय सम्मुख रे धारणा रे बसिछंती। शिक्षक एवं शिक्षयित्री आंदोलन जोगु गतकाल थारु नयागढ़ जिलार समस्त प्राथमिक विद्यालय झुलुची ताला, फले छात्र छात्री पाठपढ़ा बाधा सृष्टि होछि। अधिकांश छात्र छात्री विद्यालय को पाठ पढ़ा आसीथिबा बेले स्कूल रे ताला झुलुथबार देखिबा को पाइथे एवं शिक्षक शिक्षयित्री भी नथिबारु घर को फेरी जाइथिले। राज्य सरकार दाबी शुणुनथिबारु नयागढ़ रे शिक्षक शिक्षयित्री माने अभिनव उपाय रे आंदोलन करिछंती। बही चिमा केवल एकता पाई, जेहेतु बही होची आमर संपद, आमे शिक्षक शिक्षयित्री मान बही होची एकमात्र संपद शिक्षादान पाई, तेणु से माने समस्त आमे विचार कलु जे जदि कौनसी गळा बाट रहिबो कौन शिक्षक शिक्षयित्री बाइचांस स्कूल को जिबे हरी सेति पाई आमे एकता रक्षा पाई आमे बही छु कि नियम करचु समस्त शिक्षक शिक्षयित्री नियम करचिनी कौनसी प्रकार से विद्यालय को जिबे नाही। 2022 मसिया नवंबर 27 तारीख आमे भुवनेश्वर चारि दिन माने 130,000 शिक्षक गदा होलु, जोटि की आंदोलन करम तीनोटी दाबी थी पुराणा पेनसन को लागू करवा आम जो शिक्षा सहायक पीरियड 6 वर्ष खटिचु ताकू सर्विस मूल चाकर ग्रहण करवा अभिज्ञ केन्द्रीय हार दरमा देवा, कितु सरकार जाणीशु बारंबार आमको प्रतारणा करदाय कहते आम संवेदनशील अच्छु तुम दाबी प्रति तुम दाबी खूब शीघ्र पूरण हम कि आज पर्यटन 10 मास बीती जाते कौन से पदक्षेप सरकार नहीं ना बारंबार केवल प्रतिश्रुति देखते तेणु से प्रतिश्रुति को राज्य संघ प्रत्याख्यान कला, तेणु जेपर्यंत आम दाबी पूरण रही से पर्यटन आम सब छुट्टी रही। बही छुई शपथ करिछंती नयागढ़ ब्लॉक रो समस्त शिक्षक शिक्षयित्री, सेमानको दाबी पूरण हबा पर्यंत स्कूल रो माटी मारिबेनी बोली बही छुई शपथ पाठ करिछंती। राज्य निखिल उत्कल प्राथमिक शिक्षक फेडरेशन संघ निष्पत्ति क्रमे नयागढ़ जिला समस्त शिक्षक एवं शिक्षयित्री माने नयागढ़ जिलार प्रत्येक ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय सम्मुख रे धारणा रे बसिछंती। नूतन पेंशन भुक्त प्राथमिक शिक्षक मानक 6 वर्ष ठिका निजुक्ति को उच्छेद करने सहित एक्स क्याडर क्रीड़ा एवं कला शिक्षक मानक नियमित करवा, नूतन पेंशन व्यवस्था उच्छेद कर पुराणा पेंशन प्रचलन करवा एवं केन्द्रीय हार में दरमा प्रदान, यह समान चारि दफा दाबी में सामूहिक नयागढ़ जिलार समस्त प्राथमिक शिक्षक एवं शिक्षयित्री छुट्टी नहीं। हाँ बही छुईक आम शपथ ये कलु जे आम समस्ते यही निष्पत्ति नेलु जे आम कौन प्रकार बहीटा आम संपद जानते विद्या को आम बहुत भल पाऊ विद्या हूँ आम संपद आई विद्या को छुईक आम आज कहूँ जे आम कौन कार्य विद्यालय कौन कार्य आम सहयोग करूँ ना कि विद्यादान जीवन आमको समस्त अभिभावक मैंने समर्थन करुँच आई प्राथमिक शिक्षक टे से सरकार को ही मनीष करी से कथा से कहीं मन पकाना जो मंत्री एमएलए जे भी होती से तो प्राथमिक श्रेणी में पाठ पढ़ की जाइंस ना से प्राथमिक श्रेणी कथा टी मन पका से आज केमी मनीष होकर चौकी में बस चीज विचार करेंगे तो आम प्रति प्रकृत न्याय से देपारे एमती हम एमती आम शांतिपूर्ण उपाय बसबू सरकार धर्ज जिते आमर भी ताठू अधिक धर्ज रही आमर प्रथम दाबी थी से गोटिक 6 वर्ष 8 वर्ष को नियमित करेंगे ठिका निजुक्ति को नियमित करेंगे आउ पुराणा पेंशन लागू करेंगे आउ केन्द्रीय हर आम को अविकल दरमा देवे आम जथेष खटुचु। नयागढ़ जिलार 8टी जाक ब्लक 1066 प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय कार्यरत 5000 ऊर्ध शिक्षक एवं शिक्षयित्री आंदोलन को बारंबार प्रतिश्रुति राज्य सरकार शिक्षक शिक्षयित्री को प्रतारणा करिथिबारु शिक्षक शिक्षयित्री माने विद्यालय रे ताला पकाई सामूहिक भाव छुट्टी नहीं ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय समक्ष धारणा देछंती। तबे नयागढ़ जिलार छात्र छात्री एवं अभिभावक माने शिक्षक एवं शिक्षयित्री आंदोलन को समर्थन जणाइछंती। प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक शिक्षक संघ आंदोलन सरकार मुंड व्यथा बढ़ाई आगकु पिलांको परीक्षा एवं निर्वाचन रहितबारु सरकार शिक्षक संघर दाबी सुनबे बोली आशा रखिछन्ती शिक्षक एवं शिक्षयित्री माने। शिक्षक माने तो तंकर दाबी उपस्थापन करिया पई सब बेले निश्चित भाबे तंकर यथार्थ रहउछि दाबी यथार्थ, किंतु सरकार सेति पई जहा स्टेप नेबे ताको आमे मानिबाकु पडिबो, किंतु वर्तमान शिक्षा दान रे किना निश्चित भाबे व्याघात उपजिछि आउ जेहेतु समस्त शिक्षक सामूहिक भावे
ସେମାନେ ସବୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିତ୍ୟାଗ କରିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଆଉ ଆମ ବ୍ଲକରେ ମେନଲି ଆଜି 21 ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକ କେହି ରହୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ସବୁ MDM ଦେଇସାରିଲା ପରେ ମାସ୍ ଲିଭ୍ରେ ଆସିବେ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ସୂଚନା, ଯାହା ମୋତେ ମିଳିଛି ସୂଚନା, MDM ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଆସିବେ। ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରେଞ୍ଜ କରୁଛି ସବୁ ଅନ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ଶିକ୍ଷକ ସେଠି ଥଇଥାନ କରିବା ପାଇଁ। ନୟାଗଡ଼ରୁ ମାନସ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।